हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। इस बार मैं जा रहा हूँ अमृतसर। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा दिल्ली टू अमृतसर वहाँ के स्टे वगैरह। आपके लिए एक क्वेश्चन है, अमृतसर नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, तो प्लीज उसे कमेंट में जरूर बताना। और अभी आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ से हम जा रहे हैं बस से अमृतसर, इसका रीज़न मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। और अभी फ़िलहाल आपके लिए जानने वाला ये है कि 10:20 की यहाँ से बस है, मुझे यहाँ से जाना है कश्मीरी गेट। तो चलते हैं यहाँ से कश्मीरी गेट। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लो। चलो चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइज, हम आ गए हैं कश्मीरी गेट और अब यहाँ हम देख रहे हैं हमारी बस कहाँ पे खड़ी है। वैसे ISPT का आता बट गेट नंबर 4 के आसपास खड़ी है, बस वहीं जा रहे हैं। और मास्क यहाँ पे लगा के रखी है क्योंकि कोरोना का माहौल फिर से स्टार्ट हो गया है। तो चलते हैं, अभी बस को देखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। फाइनली बस में आ गए हैं और ये बस है डबल डेकर और फर्स्ट टाइम है, तो एक्सपीरियंस जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तक तो बढ़िया लग रही है, कंफर्टेबल सीट्स है और यहाँ पे आप सोने की भी पूरी फैसिलिटीज अच्छी है। कैसा महसूस हो रहा है वॉल्यूम में बैठ के? इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। ओके, आफ्टर दैट अभी हम यहाँ पे रूम सर्च कर रहे हैं। सो गाइज, कश्मीरी गेट ISPT से चले थे, हम आ गए हैं अमृतसर ISPT में। अब यहाँ से हम स्टे का देख रहे हैं, उसके बाद हम सारी चीज़ें घूमेंगे। हेलो गाइज, व्लॉग वही दिन नया। तो ये अब मैं बताता हूँ, अमृतसर हम आ चुके हैं और इस वक्त 8 बज रहे हैं और हमने यहाँ पे होटल भी ले लिया है। होटल मेन रोड पे ही है। होटल थोड़ा कॉस्टली पड़ा है। इसका रीज़न ये है होटल कॉस्टली का कि 4 दिन की छुट्टी है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा क्राउड आया हुआ है और कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं बस के अंदर, वो मैं आपको जब बताऊंगा जब हम जलियांवाला बाग के लिए निकलेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको थोड़ी देर में होटल दिखा देता हूँ जो हमने लिया है। होटल की कॉस्ट बता दूंगा जो हमने पे की है और जो थोड़े बहुत हमारे प्लान है आज के लिए वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो अभी चलते हैं और थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं जब हम जलियांवाला बाग के लिए निकलेंगे। तो गाइस, फाइनली हम होटल से निकल लिए हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर हो रहा है वो 36 डिग्री सेल्सियस है, उसकी कोई बात नहीं, गर्मी हो रही है। बट तो मुझे 4 चीज़ें बतानी थी कि सबसे पहले मैंने बस ही क्यों चूज़ की। बस चूज़ करने का रीज़न ये था कि 10 दिन पहले मैंने टिकट बुक कराई थी बट वो मिल नहीं रही थी, अवेलेबल नहीं थी ट्रेन की, तो मैंने फिर बस की टिकट बुक करवाई और उसके बाद हम आ गए। और टिकट कॉस्ट हमें 1300 समथिंग पड़ी। वो इसलिए कॉस्टली थी क्योंकि इस वक्त 4 दिन का आपको होता है, वीकेंड्स है तो उसके अंदर इसलिए बहुत ज़्यादा रश था। और अब सेकंड चीज़ कि क्या ऐसा क्या इंसिडेंट हो गया था बस के टाइम, क्या हुआ था, हमें एक स्टॉप पे रुके थे जिसका नाम था शिवा ढाबा।
तो वहाँ से क्या हुआ था, हमने पराठे वगैरह खाए और शिकंजी पी थी, फिर उसके बाद जो था कि ड्राइवर एकदम निकल गया था, हमें पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद हमने ड्राइवर को कॉल किया है, उसके बाद हम 1 किलोमीटर भागे हैं, तब जाके हमें बस मिली है दोबारा। हमारा सारा सामान बस के अंदर था, पर कोई नहीं, वो रात को ख़त्म हो गया मामला। फिर अब तीसरी चीज़ होटल, होटल की हमें कॉस्ट पड़ी 1500 रुपये, 500 रुपये पर पर्सन ट्रिपल शेयरिंग में लिया है, तो वो भी सही है होटल, क्योंकि इतना महंगा मिलेगा ही, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा होटल बुक हो रहे हैं धीरे धीरे। अगर आप ऑनलाइन भी चेक करते हो वो भी आपको कॉस्टली ही पड़ेंगे, और ऊपर से वो भी बुक मिलेंगे। अब फोर्थ वन ये हो गया, अब मुझे अकेले में ट्रिप पे नहीं आया, मैं आया हूँ अपने दोस्तों के साथ। अब वो आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ उस दो दोस्तों से। सो गाइस, मैं रिक्शे में बैठ चुका हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं आपको अपने दोस्तों से ज़रूर मिलाऊँगा। और ये रहे मेरे पहले दोस्त, ये ग्रुप में नया मेंबर है, इनका नाम है योगेंद्र शर्मा, और ये है सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट? हाय गाइस, ज़्यादा रहा है कैमरे के सामने। और इन्हें तो आप जानते हो, उत्कर्ष भाई, जो मैक्लोडगंज में भी साथ थे, और इस बार सारा प्लान इन्हीं का है अमृतसर का बनाने का। और हमारी जो कोशिश है मेन, अभी हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग, उसके बाद गोल्डन टेम्पल, देन उसके बाद सेरेमनी, जो वाघा बॉर्डर है वो सबसे मेन है, जो हमें घूमना ही घूमना है वहाँ पर। आपको पता ही है वहाँ पर नेक्स्ट लेवल है, जो वाइब्स आ रही है वहाँ की। पानी गलना ठंडा बन गया। सो गाइज, हम आ गए हैं यहाँ पे जलियांवाला बाग के अंदर। यहाँ पे अगर आपको कुछ हिस्ट्री वगैरह जाननी है ना, यहाँ पे एक थिएटर लगा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली, कोई आपको चार्ज नहीं देना। वहाँ जाके आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की वीडियो होगी, उसके अंदर पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, और अच्छा है वहाँ पे अगर आप जाओगे तो सही। अगर यहाँ आया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको चार्ज वार्ज नहीं देना। अभी फ़िलहाल मैं जलियांवाला बाग देख रहा हूँ। बोलते मामा तो भारी मित्र के जाएंगे उत्तम नगर वाले बात। हेलो
अपने लगे चेहरे से निशान वो फोटो नंबर फोटो तो गाइस फाइनली मैंने जलियांवाला बाग देख लिया है। ये बहुत बड़ा मैसेकर था। मैं ये चाहूँगा कि आप यहाँ पे आओ और इस हिस्ट्री को जानो। आप यहाँ पे देखोगे आपको गोलियों के निशान दिखाए जाएंगे। और मैं तो आप कहूँगा कि सबसे पहले आप वहाँ पे जाके थिएटर में पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है आप वो देखो पूरा, उसके बाद जलियांवाला बाग घूमो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ें। गाइज हमने सारी चीज़ बुकिंग करा ली है वाघा बॉर्डर की, उसका जो भी प्राइस वगैरह मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं गोल्डन टेंपल जा रहा हूँ, बाकी आपको जलियांवाला बाग तो दिखाई दिया है, वो आप मुझे कमेंट में बताना आपको कैसा लगा वो। एंड जो हमारा जो प्लान था अमृतसर घूमने का उसको हमने थोड़ा चेंज किया है, हम जा रहे हैं डलहौजी। वो आगे आपको पूरा उसका बताऊंगा हमने कितने की बुक कराया है यहाँ से, क्या सीन है वहाँ का, ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं गोल्डन टेम्पल फिलहाल। ठीक है।